हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फोटेक इंडिया। और आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम करेंगे चार ऐसे स्मार्टफोन का कंपैरिजन जिसकी प्राइसिंग है वो लगभग लगभग 15,000 के आते हैं और काफ़ी दमदार फ़ोन है। काफ़ी अच्छे प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, प्लस काफ़ी अच्छा कैमरा भी मिल जाता है। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेडमी नोट 6 प्रो के बारे में जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, रियलमी 2 प्रो के बारे में, ऑनर 8X के बारे में और वीवो V9 प्रो के बारे में। अब आप में से कई सारे लोगों को जो ये बोलेंगे कि भाई वीवो V9 प्रो को क्यों ऐड किया इस कंपैरिजन में, तो भाई यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है और बहुत ही अच्छे प्राइस में यहाँ पे वीवो V9 प्रो को लॉन्च किया गया है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन तो बनता है। और मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोई हैंड्स ऑन कंपैरिजन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने किया है स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। साथ में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉडी टाइप को देखते हुए। रेडमी नोट 6 प्रो एक लौता फ़ोन है इन तीनों का कंपैरिजन में जो मेटल बॉडी के साथ आता है, वहीं रियलमी 2 प्रो और वीवो V9 प्रो आपको प्लास्टिक बैक के साथ आते हैं। दोनों ही का जो बैक है काफ़ी ग्लॉसी है, काफ़ी शाइनी है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक प्लास्टिक फ़ोन यूज़ कर रहे हो। वहीं ऑनर 8X गिलास बैक के साथ आता है। थिकनेस एंड वेट की बात करें तो यहाँ आपको सबसे पतला फ़ोन है ऑनर 8X और यहाँ पे सबसे मोटा फ़ोन है रियलमी 2 प्रो। वजन की बात करें तो यहाँ सबसे हल्का फ़ोन है वीवो V9 प्रो, 150 ग्राम का है, वहीं सबसे भारी फ़ोन है रेडमी नोट 6 प्रो। बात करें डिस्प्ले साइज एंड टाइप की तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिस्प्ले ऑनर 8X में मिलता है जो कि है 6.5 इंच का, वहीं बाकी के तीनों फ़ोन में आपको लगभग लगभग सेम साइज़ का डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो सभी में आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है, सभी में आपको 2.5D कर्व ग्लास मिल जाएगा और जो पैनल है वो यूज किया गया है वो IPS LCD है। रियलमी 2 प्रो एंड ऑनर 8X में आपको मिलता है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो वाला स्क्रीन, वहीं रेडमी नोट 6 प्रो और वीवो V9 प्रो में आपको मिलता है 19:9 का एस्पेक्ट रेशो वाला स्क्रीन। अब अगर गाइस मैं आपको बताऊं कि जो ऑनर 8X है और जो वीवो V9 प्रो का जो चिन्ह है नीचे का, वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है रियलमी 2 और रेडमी नोट 6 प्रो के कंपैरिजन में। यहाँ सबसे बड़ा चिन्ह आपको रेडमी नोट 6 प्रो में मिलेगा। अगर हम कंपेयर करते हैं इसे 5 प्रो से तो रेडमी नोट 6 प्रो का चिन्ह थोड़ा छोटा है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइड बेजल की तो ऑनर 8X और वीवो V9 प्रो का जो साइड बेजल है वो बहुत ही कम है। तो गाइस, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं नॉच, तो यहाँ सबसे छोटा नॉच है रियल मी 2 प्रो का। आई थिंक इसे नॉच कहना ही नहीं चाहिए, ये टीयर ड्रॉप नॉच इसे कहा जाता है। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट फ़ोन लगता है ओवरऑल रियल मी 2 प्रो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले यूज़ करने को मिलता है। इसी के बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले पिक्सल पर इंच डेंसिटी और प्रोटेक्शन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो PPI है सबसे ज़्यादा है रियलमी 2 प्रो का, 409 PPI है। अब एक बात बता देता हूँ कि दोस्तों, जो ऑनर 8X है इसमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कि इसमें आपको कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है, बट मैंने कई सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है या फिर ड्रैगन ट्रेल मिलता है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है लेकिन वर्जन नहीं बताया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लिखा है। वहीं वीवो V9 प्रो में आपको कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों, ऑनर 8X में यहाँ आपको मिलता है सबसे पावरफुल प्रोसेसर इन सभी के कंपेरिजन में, जो कि है हाई सिलिकॉन किरण 710 जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz। ये एक ऑक्टा कोर वाला CPU और बना है आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब इसका फायदा ये है कि इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो काफ़ी कम होगी और जो पावर डिलीवरी है बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको रियलमी 2 प्रो वीवो V9 प्रो मिलता है स्नैपड्रैगन 660 और इसके बाद सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको रेडमी नोट 6 प्रो में मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 636 है। सो गाइस, कंपैरिजन वाइज यहाँ पे ऑनर 8X विनर है प्रोसेसर के मामले में। CPU के बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं GPU की, तो आप देख सकते हो कि जो Redmi Note 6 Pro, Realme 2 Pro, Vivo V9 Pro में आपको मिलता है Adreno का GPU, वहीं Honor 8X में आपको मिलता है Mali का GPU। Honor 8X का जो GPU है इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 650 MHz, वहीं इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल GPU आपको Realme 2 Pro एंड Vivo V9 Pro में मिलता है जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 850 MHz। अब दोस्तों, इस Honor 8X के फिगर पर मत जाइए कि यहाँ पर बहुत ही कम फिगर है तो ये गेम अच्छे से नहीं चला पाएगा। भाई मैंने यहाँ पे इसका वीडियो देखा है और वीडियो मैंने देखा है कि जो पबजी है वो इसमें आप
एचडी में चला सकते हो, वो भी फ्लॉलेसली चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलता है। तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऑनर 8X के साथ अगर आप इस जीपीयू के साथ भी जाते हो तो। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो सभी में आपको DDR4 वाला रैम मिलता है। रेडमी नोट 6 प्रो आपको 2 वेरियंट में आता है, Realme 2 प्रो आपको 3 वेरियंट में आता है, ऑनर 8X आपको 2 वेरियंट में आता है, वहीं Vivo V9 प्रो आपको सिंगल वेरिएंट में आता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो ऑनर 8X को आप अप टू 400 GB तक कर सकते हो, वहीं बाकी के फोन को आप अप टू 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सिम स्लॉट टाइप की बात करें तो रेडमी नोट 6 प्रो को छोड़ के बाकी सभी में आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, वहीं रेडमी नोट 6 प्रो में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा बैटरी आपको रेडमी नोट 6 प्रो में मिलता है, वहीं सबसे कम बैटरी आपको Vivo V9 प्रो में मिलता है। बाकी सभी के सभी फोन आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। नेटवर्क सपोर्ट की बात करें तो सभी में आपको 2G 3G 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाएगा, ड्यूल 4G वोल्टी आपको सभी फोन में मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए इन सभी फोन में आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ दिया गया है, वहीं ऑनर 8X एंड Vivo V9 प्रो में जो ब्लूटूथ वर्जन यूज किया गया है वह है ब्लूटूथ 4.2, वहीं जो Realme 2 प्रो और Redmi Note 6 प्रो में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सभी में आपको Oreo 8.1 मिल जाएगा एंड्रॉयड, लेकिन यहाँ पे सबका अलग अलग स्किन है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो Redmi Note 6 Pro है आपको MIUI 10 मिलता है, Realme 2 Pro में आपको ColorOS 5.2 मिलता है, Honor 8X में आपको EMUI 8.2 मिलता है, वहीं Vivo V9 Pro में आपको Fun Touch 4.0 OS मिलता है। फेस अनलॉक आपको सभी फोन में अवेलेबल है, वहीं जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपको मिल जाता है सभी फोन में पीछे की तरफ। चले दोस्तों अब बात करते हैं इन फोन्स के कैमरा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेयर कैमरा के बारे में। सभी में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरा मिल जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपर्चर वैल्यू की कि सबसे अपर्चर जो वैल्यू है किसकी कम है, तो यहाँ Realme 2 Pro के जो प्राइमरी सेंसर है उसकी अपर्चर वैल्यू बहुत ही कम है, f1.7 है। अब इसका फायदा ये होता है कि दोस्तों जब आप लो लाइट फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ आपको नॉइस की जो लेवल है वो बहुत ही कम निकल के आती है, प्लस जो बोके इफेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब अपर्चर वैल्यू कम होगा तो बोके इफेक्ट काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि जो Realme 2 Pro है वही सबसे बेस्ट है कैमरा वाइज। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कैमरा सैंपल्स देखा है, तो यहाँ पे मैंने Redmi Note 6 Pro में जो कैमरा आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आया है Realme 2 Pro के कंपैरिजन में, भले ही इसमें आपको अपर्चर कम मिलता हो। वहीं Honor 8X की बात करें और Vivo V9 Pro की बात करें तो आप इनके फिगर पे मत जाइए कि इसमें Vivo V9 Pro में आपको जो अपर्चर वैल्यू है वो f2.2 है, भाई यहाँ पे जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा दिया है Vivo ने, वहीं Honor 8X ने भी काफ़ी अच्छा कैमरा दिया है। सबसे अच्छी बात यह है Honor के फ़ोन के साथ कि वहाँ आपको जो प्रोफेशनल मोड है वो बहुत ही अच्छा मिल जाता है, आपको वीडियो के लिए भी प्रोफेशनल मोड मिल जाता है। अभी तक हमने ज़्यादातर जो भी फ़ोन देखा था उसमें आपको PDAF मिलता था, बट Redmi Note 6 Pro में कुछ नया तरह का ऑटो फोकस है जो कि है ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस 15,000 की रेंज में। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये गूगल भी इस्तेमाल करती है अपने फ़ोन में। LED फ्लैश आपको सभी फ़ोन में मिल जाता है, और सभी में आपको EIS सपोर्ट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ Vivo V9 Pro में आपको EIS नहीं दिया गया। EIS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है वो आपको 4K रिकॉर्डिंग करने समय नहीं सपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ फुल HD रिकॉर्डिंग के समय ही सपोर्ट करेगा। रेयर के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ Redmi Note 6 Pro ही एक लौता फोन है जहां आपको सामने की तरफ 2 कैमरा मिलता है 20+2 मेगापिक्सल का। जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, और गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे LED फ्लैश की सामने की तरफ, तो किसी भी फ़ोन में आपको सामने की तरफ LED फ्लैश नहीं मिलता है। Realme 2 Pro में आपको स्क्रीन फ्लैश मिल जाता है, वहीं जो EIS है वो किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिलता है। अब गाइस बात करते हैं अगर सेल्फी की, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो Redmi Note 6 Pro है इसमें आपको ज़्यादा अच्छी सेल्फी निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप यूज़ किया गया है। अगर बात करते हैं AI सपोर्ट की, तो सभी में आपको AI सपोर्ट मिल जाता है फ्रंट प्लस रेयर कैमरा दोनों के लिए ही। वीडियो रिकॉर्ड साइज़ की बात करें तो दोस्तों Realme 2 एक लौता फ़ोन है जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं दोस्तों बाकी के तीनों फ़ोन से आप मैक्सिमम फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30 FPS, बट Honor 8X से आप फुल HD एट 60 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं FM रेडियो की, तो Realme 2 Pro में आपको FM रेडियो मिलता है कि नहीं मिलता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे अननोन लिखा है, वहीं बाकी की तीनों फ़ोन में आपको FM रेडियो मिल जाता है।
इसके बाद बात करें अगर एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपास, ये आपको चारों फ़ोन में मिल जाता है। जायरो सेंसर आपको सभी फ़ोन में मिल जाता है। वहीं बात करें दोस्तों एनएफसी की, तो किसी भी फ़ोन में आपको एनएफसी का सपोर्ट नहीं है। बात करें यूएसबी टाइप एंड ओटीजी सपोर्ट की, तो सभी फ़ोन में आपको यूएसबी 2.0 मिलता है। किसी भी फ़ोन में आपको यूएसबी सी टाइप नहीं मिलता है। ओटीजी सपोर्ट आपको सभी फ़ोन में अवेलेबल है। और आखिरी में दोस्तों यहाँ पे मैंने प्राइस मेंशन कर दिया सभी वेरिएंट के लिए, और आप देख सकते हो और आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा फ़ोन किस प्राइस रेंज में लेना है। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे प्राइस के हिसाब से रियलमी 2 प्रो से यहाँ पे सबसे बेस्ट डील लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज़ बहुत ही अच्छे से मैनेज करके मिल रहा है बहुत ही कम दाम में। बट अगर हम बात करते हैं कुछ मामलों में जो रियलमी 2 प्रो में उतना अच्छा नहीं है जितना आपको अदर फ़ोन से, जैसे कि ऑनर 8X और रेडमी नोट 6 प्रो और वीवो V9 प्रो कैमरा के मामले में भी काफ़ी अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो रियलमी 2 प्रो का कैमरा उतना खास नहीं है, वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छी बातें मिलती हैं बाकी सबसे। जैसे कि प्रोफेशनल मोड आपको मिलता है रियलमी 2 प्रो में, रेडमी नोट 6 प्रो में आपको कोई भी प्रोफेशनल मोड नहीं मिलता है। 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप रियलमी 2 प्रो से, वहीं बाकी के तीनों फ़ोन में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। खैर दोस्तों इन सब कंपैरिजन को देखने बाद अब आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह के कंपैरिजन लाते रहता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।